कैन आई गेट अ शेविंग की प्लीज? मिया, घर का बाथरूम है, होटल का नहीं। फाइव स्टार होटल जैसा बाथरूम विद हिंदवेयर इटालियन कलेक्शन। वीकेंड्स पे आप घर पे बैठ के बोर मत होइए, हमारे साथ ज्वाइन करिए social.andaman को फॉलो करिए, जहाँ पे सारे डिटेल्स आपको मिल जाएंगे। और हमारा अपकमिंग इवेंट होपफुली नवंबर फर्स्ट वीक में होगा, जिसमें आप डेफिनेटली आइए एंड वी गारंटी यू आपको बहुत मज़ा आएगा और आपको नए नए लोगों से मिलने का भी मौका मिलेगा। थैंक यू। हमारे अपकमिंग इवेंट्स के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो social.andaman, वहाँ पे हम सारे इवेंट्स की सारे डिटेल्स शेयर करते हैं। नेक्स्ट हमारे जितने भी इवेंट्स होंगे वहाँ पे डिटेल्स शेयर होंगी। अगर आप हमारे साथ पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, आपकी फैमिली या कोई फ्रेंड, तो आप हमें वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं, बाकी की सारी डिटेल्स हम वहाँ शेयर कर देंगे। जय हिंद। मैं यामिन न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। हम सब जानते हैं कि आजकल की जो ज़िंदगी है काफ़ी हेक्टिक लाइफ है, हर किसी का काफ़ी भागती दौड़ती ज़िंदगी है। इसमें लोगों को आपस में सोशलाइज होने का उतना मौका नहीं मिलता है, काम काज में बिजी रहते हैं। और आजकल जो पहले का जो माहौल था कि फैमिली परिवार वालों के साथ बैठना, फिर धीरे धीरे काम की वजह से लोग जो है अपने जगहों को छोड़ के दूसरी जगह जहां पर उनका जॉब उनको ले जाता था, या बिजनेस के चक्कर में वे ज़्यादा पैसे कमाने के लिए, बेहतर ज़िंदगी के लिए अपनी जगहों को बदलते थे, तो अपनी फैमिली से दूर हो जाते थे। माहौल फिर ऐसा बना कि लोग जो है कट ऑफ होने लगे अपने रिश्तेदारों से, अपनी बिग फैमिली से, और इंडिविजुअल रहना ज़्यादा ट्रेंडिंग होने लगा। आपसी फैमिली के अंदर में जो मेल जोल हुआ करता था वो आजकल जो है बहुत कम दिखाई पड़ता है। फैमिली के अंदर भी आपस में ज़्यादा समय बिताने के लिए लोगों के पास समय नहीं रहता, खासकर जब से मोबाइल आ गया। इससे भी जो है लाइफ काफ़ी क्लोज हो चुकी है, लोग एक दूसरे से ज़्यादा उतना मिलते नहीं है। पहले जो फ्रेंड सर्कल्स हुआ करता था, लोग बैठते थे आपस में दोस्ती यारी में बातें करते थे, कई सारे फिजिकल एक्टिविटीज़ करते थे, वो भी नहीं देखा जाता है। एक बहुत बड़ी वजह है कि लोग काफ़ी व्यस्त हो चुके हैं, किसी के पास उतना समय नहीं है। तो इसी के मद्देनज़र हमारे अंडमान निकोबार में एक सोशल अंडमान नाम का एक कम्युनिटी ग्रुप है, जो ये प्रयास करते हैं कि लोग जो है ज़्यादा एक दूसरे के साथ सोशल हो सके। पिछले साल डेढ़ साल से हमने देखा है कि वे जो है अक्सर कुछ ना कुछ छोटे मोटे प्रोग्राम्स कराते रहते हैं, ताकि फैमिलीज गेट टुगेदर हो सके, कुछ लोग आपस में मिलके कुछ कर सकें। तो इसी के मद्देनज़र आज यहाँ होटल ड्रिफ्टवुड यहाँ पे एक छोटा सा एक कार्यक्रम रखा गया है। और ये जो कवरेज हम कर रहे हैं, इसका मकसद भी यही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सोशल लाइफ को जो है उसको प्रमोट करें। हम सब चाहते हैं कि हम भी जो है अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ समय बिताएं, मगर हमारे पास समय नहीं है, यही तो दिक्कत है। मगर उसमें भी अगर हमने किसी भी तरीके से थोड़ा बहुत भी समय अपने लिए निकाला, अपने परिवार के लिए निकाला, तो ये हम सब की मेंटल ग्रोथ के लिए भी काफ़ी अच्छा रहेगा। हमें थोड़ा सुकून मिलेगा कि हम हमेशा मोबाइल से, कामकाज से, पढ़ाई से, इससे थोड़ा दूर हो सके। जो स्ट्रेस हम अपने ऊपर ले लेते हैं, जो काफ़ी हमारे हेल्थ को मेंटली एंड फिजिकली वॉर्न आउट कर जाता है,
थका देता है हमें, इससे हम थोड़ा रिफ्रेश जरूर होंगे। जरूरत है तो ऐसे छोटे छोटे सोशल एक्टिविटीज हम खुद से ही करें। इसी सिलसिले में यहाँ पे जैसे मैंने पहले भी कहा कि अंडमान सोशल नाम की जो कम्युनिटी ग्रुप है, तानिया जी और उनकी सहेली ऐसे छोटे छोटे प्रोग्राम्स का बीच में कराते रहते हैं ताकि लोग जो है एक दूसरे से आपस में मिल सके, बहुत सारी चीजें शेयर कर सके एक दूसरे के साथ में। तो आज यहाँ पे फैमिलीज के लिए एक छोटा सा पेंटिंग प्रोग्राम रखा गया है, ड्राइंग एंड पेंटिंग। लोग अपने बच्चों के साथ आए, जो भी मटेरियल है ये सोशल अंडमान जो कम्युनिटी ग्रुप है इनकी तरफ से दिया जा रहा है। स्पेस कहिए, मटेरियल कहिए, जो भी पेंटिंग ब्रश वगैरह सब कुछ इनको दिया जा रहा है एंड एक माहौल बनाया जा रहा है जो कि आज की ज़रूरत है, आज के समय की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि बच्चे अपने माँ बाप के साथ थोड़ा समय बिताएं और उनके दिल में जो आ रहा है वो करें। तो आज जैसे इनके लिए ड्राइंग एंड पेंटिंग रखा गया, तो चलिए हम इस प्रोग्राम की कवरेज के लिए आप लोगों को ले चलते हैं। हेलो बेटा। हाय। क्या नाम है आपका? सनायरा। ओके, क्या बनाया आपने? टी-शर्ट में कुछ बनाया। अच्छा, क्या क्या पेंटिंग किया आपने? एक स्टेंसिल में कुछ बनाया और फ्लावर। सोशल अंडमान की तरफ से जो छोटा सा एक कार्यक्रम रखा गया है ताकि फैमिली सोशलाइज हो सके ज्यादा से ज्यादा, तो इस पर आपका क्या कहना है? बहुत अच्छा प्रोग्राम है, बच्चों के लिए बहुत क्रिएटिव वर्कशॉप है, होपफुली और आगे भी करेंगे तो अच्छा है। यू थिंक कि ऐसे ऐसे और भी प्रोग्राम्स की हमें ज़रूरत है जहाँ पे फैमिली मेम्बर्स ज़्यादा से ज़्यादा सोशलाइज हो सके और बाकी लोगों से भी मिल सके ना? ये माहौल पे आप और भी लोगों से मिलते हो, उनको जानते हो, यू थिंक ऐसे इट्स गुड? इट्स वेरी गुड। आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? UKG A। आज आपने क्या क्या ड्राइंग किया? रेनबो। ये पूरा आपने खुद बनाया कि पापा के साथ मिलके बनाया? पापा के साथ मिलके। ओके ओके, वेरी गुड। हेलो सर। हाय। आजकल का जो चल रहा है दौर, उसमें हम खुद को भी टाइम नहीं दे पा रहे, बच्चों को तो बिल्कुल टाइम नहीं दे पा रहे, जैसे हर कोई अपने लाइफ में बिजी है, तो बच्चे भी हमारे जो घर में रहते हैं फिर वो मोबाइल टीवी पकड़ के बैठते हैं, तो जो इंटरेक्शन होना है पेरेंट के साथ उनका वो हो नहीं पाता और उनको कुछ नए नए चीज़ें सीखने का मौका नहीं मिल रहा है, वो कंप्यूटर की दुनिया में मोबाइल की दुनिया में इन्वॉल्व होते जा रहे हैं। तो ये जो सोशल अंडमान ये जो कम्युनिटी है, उन्होंने जो ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया है बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम में इन्होंने जो पेरेंट और चिल्ड्रन के साथ जो सेशन बनाया काफ़ी अच्छा लगा और हमें पार्टिसिपेट करके हमारा अच्छा टाइम स्पेंड हुआ है। थैंक यू सो मच सर। वुल्फ। आई सॉ, इट वाज वेरी नाइस। कहाँ सीखी आपने ड्राइंग? पहले तो हम कुछ और सोचता था, पत्ती सोचता था, फिर हम ऐसी बनाया पत्ती बनाया, वो आँखी का तरह दिखने लगा तो फिर हम वुल्फ बना दिया। तो मैम, अभी आपने अपने बच्चों के साथ में यहाँ पे थोड़ा समय बिताया होटल ड्रेडफोर्ड में, और कैसा लगा? जी मुझे बहुत अच्छा लगा, यहाँ पहली बार आई हूँ मैं बच्चों को लेके, हमेशा स्क्रीन टाइम इनका वो मोबाइल देखना टीवी देखना, तो मैंने सोचा कि चलो आज चेंज कर लेते हैं थोड़ा, इनको भी दो बच्चों को दोनों को स्केचिंग का पिक्चर्स बनाने का बहुत शौक है, तो मैंने कहा मैं भी चलो इनके साथ कंपनी करती हूँ, तो मैंने भी कर लिया। बहुत अच्छा लगा यहाँ आके, एनवायरमेंट भी बहुत अच्छा है। एनवायरमेंट कोमल आनंद जी, हम इनसे बात करते हैं, क्या उनका रिएक्शन है वो हम उनसे जानेंगे। जय हिंद मैम। जय हिंद। यामिन, एक तो ये बहुत अच्छा, ये सोशल अंडमान करके ग्रुप है जो कम्युनिटी बेस्ड ही ये लोग प्रोग्राम करते हैं, कि इसमें पेरेंट्स और बच्चे अपना एक साथ एक फैमिली टाइम स्पेंड कर सकें और उनके जो भी बच्चों के हॉबीज हैं उनको सामने ला सकें सबके बीच में बैठ के। ये एक बहुत सुंदर चीज है, मतलब लोग घर में बैठ के अपना अपनी हॉबीज के लिए पेरेंट्स करते हैं, सिर्फ अपने बच्चे के लिए। तो यहाँ पर बड़ा अच्छा लगता है कि एक आज तो देखा, पहले इन लोगों ने सोशल अंडमान ने, मैं एक बार पहले भी आई थी इनके एक प्रोग्राम में, उसमें इन्होंने बैग पेंटिंग, खादी के बैग्स के ऊपर पेंटिंग करना सिखा रहे थे, और जो जो बच्चे जस्ट ऐसे छोटी सी पेंटिंग करते हैं कैनवस पे पेपर्स पे, उनको वो क्लॉथ मटेरियल प्रोवाइड करके उस पर फैब्रिक पेंटिंग की तरह करवा रहे हैं। एंड सबसे सुंदर चीज़ ये है कि जब छुट्टी होती है सैटरडे संडेज, तो उसमें अगर ऐसी करिकुलर एक्टिविटीज़ हो तो कितना अच्छी बात है कि बच्चे भी एक दूसरे से, जो बच्चे नहीं भी मिले हैं एक दूसरे से, उनसे वो एक फ्रेंडशिप भी होती है। इसमें दो तीन चीज़ें बहुत
मिल जाती हैं कि एक तरह से एक फेलोशिप भी हो जाती है, पेरेंट्स भी आपस में एक दूसरे को जानना उनको लगता है और एक दूसरे की हॉबीज के बारे में भी पता चलता है। बहुत अच्छा लगा। थैंक यू कोमल मैम, थैंक यू सो मच। अभी हमारे इस प्रोग्राम में आज शनाज जाटवेड मैम भी आई हैं, हम उनसे जानेंगे उनका क्या विचार है इस पर। जय हिंद मैम। वेलकम यमीन भाई फ्रॉम न्यूज़ अंडमान, बहुत अच्छा लगा आप आए यहाँ पे और ये प्रोग्राम कवर कर रहे हैं। ये प्रोग्राम की क्रेडिट तो सानिया को जाता है तो इसने इतना अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है, बच्चे कितने अच्छे से कर रहे हैं अपने पेरेंट्स के साथ मिल के। ये देख के बहुत अच्छा लग रहा है कि मोबाइल फ़ोन छोड़ के कुछ और भी हो सकता है। Exactly. तो ये और इसमें ना अपना शौक होना चाहिए तभी और अच्छा से निखर के आता है पेंटिंग। एंड आई कैन सी दे आर डूइंग सच अ फैबुलस वर्क, बहुत अच्छा कर रहे हैं और इसी तरह आप लोग करते रहिए, हम लोग जो कर सकेंगे हम लोग मिल के करेंगे। जैसे कोमल मैडम भी इसमें ज्वाइन हो गई, हम भी ज्वाइन हो गए और कुछ और भी कुछ करना हो तो हम लोग सब मिल के करेंगे। थैंक यू सो मच मैम। हेलो बेटा। हेलो, क्या नाम है आपका? माय नेम इज लावण्या। योर सिस्टर? मोनालिया। मोनालिया एंड लावण्या, एक्सीलेंट। आई सी दैट कि आप लोगों ने बहुत अच्छी पेंटिंग की है। यस, इट्स वेरी ब्यूटीफुल। आप हमेशा से प्रैक्टिस करते रहे हो? ओह यस, शी इज अ वेरी गुड आर्टिस्ट एक्चुअली। शी यूज्ड टू हैव लाइक फ्रेम्स एंड ऑल। शी यूज्ड टू मेक पोर्ट्रेट्स, रियल टाइम पोर्ट्रेट्स, पेंटिंग्स, राधा कृष्ण की फोटो बहुत अच्छा बनाती है ये। एंड शी लव पेंटिंग। तो आज यहाँ पर अपने पेरेंट्स के साथ आना, और भी कई फैमिलीज है उनके साथ आना, यहाँ पे पेंटिंग करना, उनसे मिलना जुलना कैसा लग रहा है? इट्स अ वेरी गुड थिंग, इट्स अ वेरी गुड अप्रोच कि फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, बिकॉज हम देखते हैं कि डे टू डे लाइफ में हैज चिल्ड्रंस ग्रो ओल्डर द टाइम विद द फैमिली कीप्स ऑन रिड्यूसिंग। सो दिस कम्युनिटी एनेबल्स अस टू स्पेंड अ वेरी गुड टाइम, अ वेरी नाइस टाइम विद द फैमिली। एंड आज तो बहुत अच्छा लगा, एक मॉम डैड सिस्टर और मैं, लाइक आई एम अ डॉक्टर, सो आई जस्ट केम फ्रॉम महाराष्ट्र 2 days बैक और आज ऐसा पता चला, आई जस्ट रजिस्टर्ड ऑन बोर्ड, मैंने रजिस्टर किया था इसको एंड हियर यहाँ आके बहुत अच्छा लगा, इट्स अ वेरी गुड टाइम, मुझे बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ना, जो भी आपको जवाब देगा ये सवाल आप पूछोगे कि यहाँ पे कैसा लग रहा है, यकीन मानिए सब ने कहना है कि बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि ये मिस हो रहा है हमारे परिवारों से, हमारे समाज से, हमारे सोसाइटी से आज के दिनों में, जहाँ पे मोबाइल नहीं है, कुछ नहीं है, जस्ट आपके हाथ में ब्रश है एंड मटेरियल है और आपने पेंट करना है, एक तरह का एक जो फैमिली के साथ जो टाइम स्पेंड हो रहा है यहाँ पे, ये जो गैप था उसको फिल किया जा रहा है, विच इज़ वंडरफुल बाय सोशल अंडमान द कम्युनिटी ग्रुप। सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट से रिहानत मैम भी है, हम उनसे जानना चाहेंगे कि आज यहाँ पे जो प्रोग्राम रखा गया है उसको लेकर उन्हें क्या कहना है। जय हिंद मैम। जय हिंद। सबसे पहले तो मैं पंक एनजीओ को धन्यवाद करना चाहती हूँ, जिन्होंने पंक एनजीओ और सोशल अंडमान जो है इस तरह का कार्यक्रम ऑर्गेनाइज़ किया और मैं यहाँ पर पंक एनजीओ की ओर से इनवाइटेड हूँ। और एक चीज़ यहाँ पे मुझे काफ़ी अच्छा लगा देखने को कि बच्चे बहुत ही उत्साह से जो ड्राइंग टी शर्ट में जो प्रेजेंट किए हैं काफ़ी मतलब अच्छा रहा। और जैसे कि हम आजकल देखते हैं बच्चे थोड़ा सा भी अगर उनको टाइम मिलता है तो बच्चे फ़ोन में एडिक्ट रहते हैं या YouTube या ऐसा जो भी गैजेट है उसमें रहते, तो एक ऐसा एक गैजेट मतलब ऐसा एक कॉर्नर होना चाहिए बच्चों के लिए जिसमें बच्चे वो सब चीज़ से हट के इस तरह का जो है काम बच्चे जो अपना हॉबीज है उसको प्रेजेंट कर सके, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पे आके। सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की तरफ से भी अपेक्षा रखें कि आप लोग आने वाले दिनों में कुछ ऐसे प्रोग्राम्स कराओगे बच्चे लोगों के लिए, फैमिलीज के लिए, जो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे जो सोशल अंडमान करा रही है, तो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट से हो पाएगा? जी ज़रूर, हम इस तरह का कार्यक्रम कराते रहते हैं लेकिन यहाँ पे थोड़ा यूनिक देखने को मिला, बच्चे जो है टी शर्ट्स वगैरह में जो है ड्राइंग वगैरह पेंट वगैरह किए हैं। वैसे हम प्रोग्राम वगैरह तो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की ओर से ऑर्गेनाइज करते हैं लेकिन ये जो है फैमिली के साथ जो है एक अलग कॉन्सेप्ट था, तो हम ज़रूर हम अपने जो चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन वगैरह है वहाँ पर भी ये कॉन्सेप्ट को लाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू मैम। अभी हम तान्या जी से बात करेंगे, हम आपको बताएं देखिए तान्या जी जो है सोशल अंडमान ये जो कम्युनिटी ग्रुप है इनकी मेंबर है एंड ये कॉन्सेप्ट जो है तान्या जी एंड उनकी फ्रेंड निशी जी ने ही इसको शुरू किया है यहाँ पे। एंड जैसे मैंने शुरुआत में ही आप लोगों को कहा कि पिछले साल 1.5 साल से इनकी जो ग्रुप है ऐसे कई सारे एक्टिविटीज़ कराते हैं, हम तो चाहेंगे कि तान्या जी जो है इसको बड़े स्केल मार्केटिंग करें इसकी, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस बारे में पता चले, तो जो ग्रुप है इस बारे में थोड़ा बताइए तान्या जी। तो हमने ये इवेंट्स स्टार्ट किया करीबन 1.5 साल पहले,
क्योंकि पोर्ट ब्लेयर में अभी के टाइम पे ज्यादा कुछ है नहीं लोगों के पास करने को वीकेंड्स में, तो धीरे धीरे क्या होते गया कि लोग अपने फोन पे ही मतलब टाइम स्पेंड करने लगे। बच्चे भी जैसे हमारे, जब हम छोटे थे तो हम बाहर जाते थे, खेलते थे, ड्राइंग क्लास जाते थे, बहुत सारा चीज करते थे। बट अभी के टाइम पे मैं देखती हूँ बच्चे लोग भी मतलब यूजुअली जो हम लोग के एज के लोग भी है वो हम लोग वीकेंड्स में भी घर पे बैठे रहते हैं, फोन लेके इंस्टाग्राम देखते रहते हैं। तो हमने ये एक्टिविटीज करना शुरू किया ताकि लोगों को एक मौका मिले कि वो बाहर निकले, थोड़ा घर से अपने फ्रेंड्स लोग के साथ टाइम अच्छा स्पेंड कर पाए, अपने फैमिलीज के साथ टाइम स्पेंड कर पाए और थोड़ा बाकी लोग से भी मिल पाए, मतलब सोशलाइज कर पाए। तो दिस इज मतलब ये है जैसे हमने शुरू किया था करीबन 1.5 साल पहले, और हमने ये इवेंट्स करीबन 7 से 8 बार ऑलरेडी कर चुके हैं और हम चाहते हैं कि हाँ फ्यूचर में भी और लोग ज्वाइन करें। इस बार जो हमने किया था वो हमने स्पेशली बच्चों और पेरेंट्स के लिए रखा था ताकि मतलब बच्चे लोग भी आए, थोड़ा वीकेंड में कुछ अदर मतलब कुछ और एक्टिविटीज़ करें, अपने पेरेंट्स के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर पाए। और आगे भी हम जो इवेंट्स करते हैं उसमें लोग आ सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ आ सकते हैं, फैमिली के साथ आ सकते हैं, अकेले भी आ सकते हैं क्योंकि उनको भी मौका मिलेगा बहुत लोगों से मिलने का। अगर आपके पास ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं है तो भी आप हमारे इवेंट्स में आ सकते हैं। सेम जैसे ताने ने बताया, हम कर रहे हैं ताकि लोग सोशलाइज हो पाएं और कोई एक्टिविटीज ऐड हो पाएं, क्योंकि ऑलरेडी कोई एक्टिविटीज है नहीं करने के लिए। दो चार जगह हैं जहाँ आप विजिट कर सकते हैं, उसके अलावा कुछ है नहीं। फ्रेंड्स आ सकते हैं, कुछ टाइम के लिए ही सही है, मोबाइल्स वगैरह से दूर हो जाते हैं या फिर कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटी हो जाती है। बाहर से बहुत सारे लोग आ रहे हैं जो कि लोगों से मिल लेते हैं या नए, तो यही मेन हमारा वो था कि लोग सोशलाइज कर पाए, कुछ एक्टिविटी एक्स्ट्रा हम कर पाए ऐड। तो इसी के साथ आज यहाँ पर सोशल डॉट अंडमान जो कम्युनिटी ग्रुप है इनका ये जो कार्यक्रम आज यहाँ पर रखा गया था ये काफ़ी अच्छा हुआ। एंड जैसा हमने तानिया मैम एंड निशी मैम से बात करते हुए हमने बताया था कि ये जो जो कॉन्सेप्ट इन्होंने शुरू किया है, हम खुद भी चाहेंगे कि हम इसकी प्रमोशन करें, आप लोगों को इसके बारे में हम समय समय पर बताते रहेंगे। आप इनके इंस्टाग्राम पेज में भी जाके चेक कर सकते हो कि इनकी अगला प्रोग्राम कब है, कहाँ है, एंड हमें भी जब अवसर मिलेगा तो हम आप लोगों के इनके प्रोग्राम्स के बारे में बताते रहेंगे ताकि आप भी इनके साथ जुड़ सकें। बहुत ही नॉमिनल सी फीस ली जाती है ताकि वो एक अच्छा एनवायरनमेंट दे सके, एक अच्छा स्पेस दे सके, बिना शोर शराबे, बिना डिस्टर्बेंस के, और कुछ बैठने उठने की सुविधा, चाय नाश्ते का बंदोबस्त हर चीज़ यहाँ पे किया जाता है। सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि जो आज हमारे समाज में नहीं हो रहा है उसको दोबारा से लाने का एक प्रयास किया जा रहा है, जिसके लिए हम उनको धन्यवाद करते हैं। और आप हमारे साथ जुड़े रहिए, इनके अगले प्रोग्राम की हम आप लोगों को अपडेट भी देंगे। फिलहाल कैमरा पर्सन आफ्ताब के साथ मैं यामिन, न्यूज़ अंडमान 24/7, जय हिंद।